अभी तो ये सब ट्रेलर घर के बारे में तो जितना भी बोला जाए ना तो कम है। सारी चीजें अच्छी हो रही है, ये घर छोड़ के बहुत अफसोस लग रहा है जाने का। ये रो लेती है, फिर वो नहीं रो लेती। एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ, बहुत तकलीफ हो रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है, घर मेरा उजड़ रहा है। ये देखो फिर से कार्टून आ गए हैं। हम लोग कल रात में 6 कार्टून पैक किए, दोनों अलमारी मेरा हम लोग का खाली हो गया है, और अभी और कुछ चीज़ें पैक करनी है तो हमने और 4-5 कार्टून मंगवा लिए हैं। और ये सारा डब्बों में मसाले वगैरह जो भी सामान लेके आए थे सब हमने भर लिया है। थोड़े बहुत है जो जिसको धूप में मैंने डाला है, तो 1 घंटा धूप लग गया, उसके बाद फिर उसको कर लेंगे हम लोग, उसको भर देंगे डब्बों में। और ये देखो पूरा घर फैला हुआ है, सारे रूम अब फैलने चालू हो गए हैं, मतलब उसको कहेंगे ना कि उजड़ना स्टार्ट हो गया है। बसा बसाया घर को हम लोग अपने हाथ से उजाड़ रहे हैं। बहुत तकलीफ दे रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है। कल रात में 12 बजे तक जगे हैं जब जाके ये 3 कार्टून पैक हुए हैं। दोनों अलमारी हम लोग का खाली हो गया है, अलमारी के जितने भी कपड़े थे सामान था सब खाली हो गए। पूरा अलमारी ऊपर से नीचे तक खाली हो गया, ये 3 कार्टून और 1 बैग में। और यहाँ पे हमने धूप में अभी रख दिया है दाल और चिप्स वगैरह है, तो सोच रही हूँ कि ले जाने से पहले इसको धूप लगा दूँ। धूप बहुत तेज हो रही है, बहुत बेटा देखते रहना कबूतर खा लेगी। अंशु ये कपड़े को हटाओ ना, गर्मी नहीं हो रही है? नहीं ये ठंडा कर दिया, उठा दिया। इसको गीला कर दिया। आज अंशु भी बहुत ज्यादा हेल्प करवा रहे सारे काम में, और सारा रूम फैला हुआ है, बैठने का भी जगह नहीं मिल पा रहा है। उठा दिया कचरा। ये देखो पूरे घर की हालत क्या हो रही है, भगवान। इधर भी कार्टून पैक हो गए हैं, ये अलमारी भी पूरी खाली हो गई है अभी, मतलब कि एक अलमारी से इतने इतने निकल रहे हैं सामान, पूरा घर से तो कितना कार्टून तैयार हो जाएगा कल तक पता नहीं। देखो ये अलमारी भी पूरी तरह से खाली हो गई है। मैं सारी चीज़ों को धो के लेके जाने की कोशिश कर रही हूँ। देखो पर्दे वगैरह धुल गए हैं, इसको फोल्ड करूँगी और रखूँगी। चादर वगैरह सारे जितने मैट्स वगैरह हैं सब कुछ धो लिया है मैंने, कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है जो मैं गंदा लेके जा रही हूँ। देखो ये सारे मैट्स हैं, फुट मैट जितने हैं, बस एक रखा था मैंने और सब धो लिया था। ये अपने अलग ही काम में बिजी हैं, कहीं कोई पेपर कहीं कोई जेरोक्स ये वो बस जा रहे हैं। किचन भी हमने पूरा साफ़ कर लिया था, सारे डब्बे वब्बे सब साफ हो गए, बस ये सब अब कल वो आएंगे जितने भी वो कांच वाले जार हैं ना, क्रॉकरी आइटम हैं वो सब कुछ वो लोग रैप करेंगे, बबल रैप करेंगे, उसके बाद वे लोग कार्टून में डालेंगे। तो बस यही है, कल जल्दी से करना है क्योंकि वे लोग सुबह आ जाएंगे 8 बजे ही। 8 बजे के पहले सब कुछ खाना वाना बना बना के हम लोग को कंप्लीट रखना होगा, क्योंकि सारा चूल्हा उल्ला सब पैक हो जाएगा। बस यही है अपडेट भैया, बहुत सारा काम है, बहुत हेक्टिक लग रहा है, कैसे क्या होगा, लेकिन करते जा रहे तो सारा काम भी होते जा रहा है। बेटा वो गेट लॉक कर देना अंशु, बालकनी वाला खुल जा रहा है। तो क्या कहना चाहते हैं, कैसा हो, मतलब कैसा फील हो रहा है? आनंद, अति आनंद। 10 दिन से ऐसी हालत हो रही है ना, इनको आनंद लेना और काम से ले ले कहीं, या जो बोर हो रहे हो जो बोर अपने घर ही शिफ्ट कर ले, आपको समय का पता नहीं चलेगा। कम से कम ऐसा लग रहा है ना कि आपके पास कोई काम नहीं है। हाँ। बहुत बोर हो रहे हैं तो कुछ नहीं, हम दूसरी जगह अपना घर शिफ्ट करवा लो। कम से कम 1 महीने तो ऐसी बोगत खत्म होगी आपकी। लेकिन एक ही जगह पे शिफ्ट करने पे इतनी परेशानी नहीं आएगी? एक ही नहीं, कई दूसरे जगह पे, दूसरे सिटी में कम। हाँ। से कम, क्योंकि एक सिटी में फिर सारी चीजें ट्रांसफर नहीं ना करवानी पड़ेगी। सही बात। अपना सिलेंडर हो गया, जियो फाइबर हो गया, वाईफाई हो गया, बैंक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत टेंशन है। सबसे बड़ी टेंशन तो गाड़ी की है, मतलब कार की, वो बहुत लंबा टाइम लगा रहे पहुंचाने में, देखो कब पहुंचाते हैं। अभी भी इतना काम कर रहे हैं हम लोग, 3 दिन से कंटिन्यू पैकिंग के लिए काम कर रहे हैं, 3-4 दिन से।
वैसे ट्रांसफर से रिलेटेड तो काम 10 दिन से हो रहा है, लेकिन काम ख़त्म नहीं हो रहे और लग ही नहीं रहा कि कुछ काम हुआ है। अभी भी लग रहा है कि ये रह गया वो रह गया, चलो अब वहाँ देखेंगे जाके क्या धुलना है क्या साफ करना है। बेड पे जगह बनाओ यार थोड़ा सा बैठने के लिए। अंशु कपड़े तो ऐसे फोल्ड कर रही हूँ पागलों जैसा मैं 2 दिन से, लेकिन कपड़े हो नहीं पा रहे हैं। अब चलो कार्टून है और 2-3 उसको पैक करते हैं, दाल वगैरह सूख जाए तो सारी चीज़ों को रख देते हैं एक ही बार। अब भैया रांची पहुँच जाए तो थोड़ा जान में जाना जाए, हम पहुँच जाए हमारा सामान पहुँच जाए तो लगेगा कि चलो बहुत बड़ा टास्क पार हो गया है ना। बस सही सलामत भगवान सब पहुँचा देना यही है और कुछ नहीं। थोड़ा टेंशन तो रहता है पहुँचने से पहले, उसके बाद वहाँ जाने के बाद फिर सब आराम से होता रहेगा, वहाँ जाने के बाद कोई हड़बड़ी नहीं। तो चलो कार्टून पैक करते हैं। तो यहाँ पे पैकिंग चल ही रहा है, मतलब थोड़ा ब्रेक लेते हैं, खाना बनता है खाते हैं फिर शुरू हो जाते हैं सबके सब। तो सब लेके बैठे हुए देखो पूरा घर खाली हो रहा है, मन बहुत दुखी हो रहा है आज सोच सोच के कि कैसे घर तहस नहस हो रहा है इतना सुंदर। वो उसको रहने दो बेटा पुराने हैं। तो ये देखो ये भी अरेंजर खाली हो गया पूरा ऑलमोस्ट। आप लोग अपना टैडी भी डाल लो आशंशु एक में, सारे टैडीज ये डब्बे के साथ ही डालना पड़ेगा। इसमें छोटे छोटे सॉक्स हैंकीज हैं। एक डब्बे में रख देते हैं, ये एक डब्बे में ये डब्बे सुनो इसमें इसमें डाल दो, इसमें लॉक रहेगा ना इसमें अरेंज करके डाल दो। इस पर तो आशुंशु भी बहुत सारा काम कर रहे हैं, मन से काम कर रहे हैं। हैंकीज ऊपर रखना नहीं उस रूम में, टैडीज तो वहाँ है ना उस रूम में ले जाओ आराम से। अंशु को बहुत मन लगता है ये सब काम में दोनों को ही। मेरी तो तबीयत ही नहीं ठीक हो पा रही। सब अपने अपने तैयारी में लगे हैं, मैं थक गई हूँ किचन के काम से। किचन से तो कुछ भी पैक नहीं हुआ, किचन तो सब एज इट इज जैसे। हाँ मैं बोल रही थी ना उसी में होगा, बाइक वाली नहीं मिली। वो याद तो है कि थोड़ा सा टूटा हुआ था कहीं तो रखा है, लेकिन कहाँ रखा है ये होता है छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान में रखना और चाबी वगैरह बहुत हिसाब से रखना पड़ता है। फिर वो यहाँ वहाँ हो गया ना तो फिर मतलब हो रहेगा तो घर पे ही, लेकिन कहाँ रह जाएगा कहाँ घुस जाएगा मिलना मुश्किल हो जाएगा। उनसे थोड़ा ध्यान से बेटा तोड़ फोड़ मत करो, तुम हड़बड़ाता क्या गिराया उसमें कार्टून में डल गया। आसो ये ड्रायर भर के डब्बे में डाल दो समेट के हेयर ड्रायर, और आप क्लिप खोल के चोटी बनाओ आशु बाल सही करो। तो बस यही सब चल रहा है अभी तो, ये सब ट्रेलर है, पिक्चर तो कल होगा, पूरी पिक्चर बाकी है अभी तो। कल इस टाइम घर दिखाऊंगी क्या घर की हालत होगी, अभी तो फिर भी है सामान सब खड़ा है हमारा, लेकिन कल तो पूरा का पूरा घर खाली होगा। और इस घर खाली घर में कल हमें रहना भी है, क्योंकि कल रात में सामान चला जाएगा और परसों हमारी फ्लाइट है, तो पूरी रात रहना है इस खाली घर में। हम लोगों ने होटल वगैरह नहीं किया कि एक दिन और इस घर में रहने का मौका मिल जाएगा तो उसको क्यों छोड़े। और इस मतलब क्या बताएं इस घर के बारे में, इस घर के बारे में तो जितना भी बोला जाए ना तो कम है, बहुत कुछ दिया है। बहुत लक्की था हमारे लिए ये घर, बहुत लक्की साबित हुआ। वैसे जहाँ जहाँ हम लोग गए वहाँ सब कुछ अच्छा रहा है, इंदौर हो चाहे जबलपुर हो चाहे ग्वालियर का घर हो, सब सब अच्छा रहा हमारे लिए। तो इतने साल हम लोग बाहर रह गए ना, अब तो चलो होम टाउन जा रहे हैं, बट पूरे 16 साल मुझे हो गए और आपको 18 कितने साल से ज़्यादा हो गए। 2005 में आया था मैं घर छोड़ के, 2005 में, 2005 से अभी 2024 हो गया है ना, तो टोटल कितने साल हो गए, 19 साल हो गए लगभग। तो इतने साल से ये बाहर हैं और मैं भी 16 साल से बाहर ही हूँ, तो कुल मिला के अच्छी रही जर्नी। शुरू के कुछ साल रहे थोड़ी मुश्किल भरा, दिक्कत भरा, मुसीबत भरा, लेकिन अभी तो सब सही था। आशुंशु के आने के बाद सारी चीज़ें अच्छी हो रही है। पता नहीं क्यों घर से नज़दीक जा रहे हैं, लेकिन ये घर को छोड़ने का बड़ा सुगम हो रहा है। ये घर मतलब जहाँ रहने लग जाओ ना वही अपना घर, वही अपना संसार, सब कुछ अपना हो जाता है। अच्छा लगता है मतलब जहाँ आशुंशु तो बेचारे वो यही जानते हैं, ग्वालियर
का ही वो उनको पता है, क्योंकि इंदौर से जब आए तो सिर्फ 2 साल 2.5 साल के थे, तब का कुछ याद ही नहीं है। और सिर्फ 2 साल है हम लोग इंदौर में। हाँ, जब कोई भी जगह पे सेटल हो जाते हैं ना, छोड़ने में तो इनके सारे फ्रेंड्स स्कूल के हो चाहे बिल्डिंग के हो, सब यही ये सीखे हर चीज यहाँ सीखे ग्वालियर में। हम लोग अपनी मेन चाइल्डहुड लाइफ, एक तो हमारे बर्थ से हम लोग बाहर है, तो आशुंशु ज्यादा मिस करेंगे इस जगह को। हम लोगों की तो आदत हो गई, 3-4 शिफ्टिंग हमने कर लिया, जबलपुर में ही 2 जगह रही, फिर इंदौर आई, फिर ग्वालियर आई, तो 4 शिफ्टिंग तो मैंने कर लिया था, और ये 5वीं है इतने साल में। उस समय तो छोटे थे, समझ मम्मी को सुला देती हूँ कि फिर काम करती होगी। ये घर छोड़ के बहुत अफसोस लग रहा है जाने का, सब कुछ अच्छा था इस घर में, मैं बहुत खुश थी। मुझे यहाँ पे ज़्यादा लोगों से किसी से वो मेरा उतना कोई खास टर्म नहीं था, किसी के यहाँ जाना आना बैठना वो सब नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था उन सब चीज़ों के लिए, लेकिन मैं फिर भी बहुत खुश रहती थी इस घर में, बहुत अच्छे से रहती थी इस घर में। लड़ाई हुआ, रोना हुआ, झगड़ा हुआ, हंसना हुआ, सब चीज़ होता है घर में, तो होता है हंसना रोना लड़ाई झगड़े सब चीज़ होता है, हर घर में होता है, उसी तरह इस घर में भी सब चीज़ हुआ है, लेकिन हाँ ज्यादा अच्छी चीजें हुई है, पर ना पॉजिटिव वाइब्स बहुत था इस घर में। एंड में हम लोग ने अपना घूमना इस घर से शुरू किया, गाड़ी लिया है, सारे मेन मेन चीज तो यहीं पे लिया है, इंदौर में था ही क्या, इंदौर में एक तो हम छोटे थे, इंदौर में बस आंसू मिले थे, बाकी जो लाइफ का सब सुख होता है ना, चाहे अच्छी चीजें होती है ना, पॉजिटिव चीजें होती है ना, वो ग्वालियर में मिला था, इस घर में मिला था। बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, मतलब लग रहा है कि बस इस घर को देखती रहूं देखती रहूं देखती रहूं, क्योंकि फिर वो दिखेगा नहीं। और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि इस घर से जितने भी रिलेटेड मेमोरी है ना, सब मेरे पास है, सब मेरे कैमरा में कैद है, सब मेरे चैनल पे है, तो मैं जब चाहूंगी ना तब देखती रहूंगी, ये सबसे अच्छी बात है। आशुंशु के बचपन से जितने इतने सारे वीडियोज है इनके कि वो अभी देखते है ना तो इतना अच्छा लगता है। और इस घर पे ये दौड़ते थे, खेलते थे, भागते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, सब चीज है मेरे पास। तो हम लोग ने यहाँ पे लिए ये लिया, फिर वो वाला टेबल लिया, गाड़ी लिया, गाड़ी लिया, गाड़ी में सामान का कुछ नहीं है, लेकिन अच्छे अच्छे टाइम भी इसमें स्पेंड किया, ये सबसे बड़ी बात है, बहुत अच्छे अच्छे समय, इतना सारा बर्थडे एनिवर्सरी कितना कुछ सेलिब्रेट किया हम लोगों ने यहाँ पे। चलो कोई ये सिटी सबसे लकी होगा हमारे लिए, वहाँ भी इतना नहीं कर पाएंगे, बड़े हो या पढ़ाई में, बाकी पता है इतने सालों से यहाँ पे ना वो नहीं होता, यहाँ का जो वो है मौसम है उसमें हम लोग एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा सर्दी या तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, मतलब ये होता है ना कि छूट रहा है तो ज्यादा अफसोस लग रहा है, बाकी काफी सालों से लगा था कि होना है ट्रांसफर, तो लगता था कि हो जाए जब होना है, तो अब हो गया है ना। सब कुछ लास्ट ये कर के लास्ट खाना खा लो, लास्ट इस बेड पे सोना है। ग्वालियर, यहाँ के लोग ग्वालियर बोलते हैं, ग्वालियर नहीं बोलते, ग्वालियर। और इस घर के शोक से तो मेरा तबीयत ही इस बार ठीक नहीं हो पा रहा, पता नहीं मैं रांची जाके ही ठीक होंगी, अब देखते हैं रांची का नया घर, नया सफर, नया जर्नी कैसा रहता है नहीं रहता है, ये तो वहां जाने के बाद ही पता चलेगा, है ना आशु। तो चलो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, कल बहुत सारा काम है, अभी 10:30 बज गए, अब हम लोग छोड़ देते हैं, जो जितना हो पाया अब कल देखा जाएगा जो हो पाएगा, है ना। आंसू रो रही है, आंसू की आंखों में आंसू है, नहीं रोते बेटा, वहाँ भी ऐसे ही लगेगा अपने को जैसे यहाँ पे लग रहा था ना, वैसे वहाँ पे लगने लग जाएगा। झूठ बोलती है, ये रो लेती है, फिर बोलती है नहीं रो रही, देखो इसके आंखों में पानी है ना फ्रेंड्स, बता रहे कितने चमक है इसके आंख। ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, सुबह मिलते हैं, कल दिखाती हूँ कैसी घर में पूरी वो युद्ध छिड़ी है, युद्ध युद्ध पूरे सामान, एक आदमी ये उठा रहा है, एक आदमी वो उठा रहा है, मतलब हम लोग ने 8 कार्टून पैक कर लिए, 8 कार्टून सामान हम ही लोग कर लिए, वे लोग क्या करेगा यार, कल देखो देखते कितना कार्टून टोटल होता है सामान। अभी तो बाकी है, बेड दो तीनों बेड के अंदर है, किचन में है,
मेरे बर्तन ही तो आधा है, मतलब पूरे घर के सामान में 40% बर्तन होंगे हमारे सामान में, कपड़े और बर्तन ये दोनों की संख्या हमारे घर में कपड़े कम से कम 6 कार्टून तो होंगे। कपड़े 40% होंगे, बर्तन आपके 25% होंगे। बर्तन तुम देखिए कहाँ भैया। चलो बाय बाय।